नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आपका एक बार तहे दिल से स्वागत। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, मैं सेकंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र पर मेरे जो पिछले वीडियो में आपको सिलेबस बताया था, उस पूरे सिलेबस को कराने से पहले दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया है, क्यों ना मैं आपको एक बार फिर से अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इन तीनों के अर्थ को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप मेरा अंत तक जरूर देखेंगे। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और विक्की की पाठशाला को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। दोस्तों इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, इसके अर्थ को मैं एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। सिर्फ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं क्या बोल रहा हूँ इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र इसमें तीन बातें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों कि हमें अर्थशास्त्र में सीमित संसाधन यानी सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सीमित संसाधन क्या होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप आगे देखिए। यानी अर्थशास्त्र में सीमित संसाधनों का बंटवारा उपभोक्ता, उत्पादक और समाज इस प्रकार किया जाता है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण या विकास हो। तो दोस्तों जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि अर्थशास्त्र वह मानवीय विज्ञान है, अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है दोस्तों? मानवीय विज्ञान, क्योंकि ये मानव के ही द्वारा किया जाता है। तो अर्थशास्त्र वह मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए दोस्तों इसमें जितने भी टर्म्स मैंने लिखे हैं, भले वो विज्ञान हो, संसाधन हो, उपभोक्ता हो, उत्पादक और समाज हो, मैं इन सभी को वन बाय वन आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए कि अर्थशास्त्र को यानी इकोनॉमिक्स को मानवीय विज्ञान क्यों कहा जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र केवल मानव के द्वारा किया जाता है इसलिए इसे मानवीय विज्ञान क्या कहा जाता है, और इसे विज्ञान क्यों कहा जाता है सबसे मेन बात तो यह है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जिसमें किसी भी चीज का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कर्मबद्धता और कारण तथा परिणाम, ये दो बातें होती हैं, इस पर विशेष बल देते हैं। जैसे एग्जांपल दोस्तों चाय बनाना भी विज्ञान है, क्योंकि चाय बनाने के स्टेप्स फिक्स हैं। सबसे पहले आप रसोई में जाओगे, कैटल लोगे, पानी भरोगे, स्टोव पे रखोगे, पानी बॉईल होगा, टीनिप डालोगे, शुगर डालोगे, फिर दूध डालोगे, फिर बॉईल होगी और चाय बन जाएगी। आपने देखा एक स्टेप बाय स्टेप है,
ऐसी अगर मैं कार चलाने की बात करूं, पहले आप कार के पास जाओगे, कार के अंदर बैठोगे, सीट बेल्ट लगाओगे, चाबी लगाओगे, तो आप देख रहे हो कि कोई भी चीज जिसमें कर्म निर्धारित हो वह विज्ञान होता है। और कारण तथा परिणाम दूसरी विशेषता होती है विज्ञान की, कि कारण तथा परिणाम। कारण तथा परिणाम मतलब क्या, अगर आपको पता है कि चीनी ज्यादा डाल दी तो चाय क्या हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, और कम डाली तो फीकी रह जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान में दो बातें, एक कर्मबद्धता और एक कारण तथा परिणाम, यानी कॉज एंड रिजल्ट एंड स्टेप बाय स्टेप, ये दो वर्ड है। और अर्थशास्त्र में ये दोनों ही गुण विद्वान है, दोनों ही गुण होते हैं, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए, क्योंकि हम उपभोक्ता, उत्पादक और समाज, इन तीनों की समस्याओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उनके कारण तथा परिणामों को खोजकर उनका समाधान करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अर्थशास्त्र को एक मानवीय विज्ञान कहा जाता है। बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र में सीमित संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि संसाधन क्या है। देखिए अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो संसाधन है, संसाधन जिसे आप अंग्रेजी में रिसोर्सेस कहते हैं दोस्तों, इसे रिसोर्सेस कहा जाता है। ये जो संसाधन है ये दो तरीके के होते हैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से। एक होते हैं सीमित संसाधन, एक होते हैं असीमित संसाधन। असीमित संसाधन, एक सीमित संसाधन है, एक असीमित संसाधन है। एक सीमित संसाधन है, एक असीमित संसाधन है। सीमित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मांग उनकी पूर्ति से सदैव अधिक रहती है, जबकि पूर्ति पर्यावरण कराता है। इसको और अच्छी तरीके समझाने से पहले मैं आपको पहले संसाधन समझा देता हूं। दोस्तों संसाधन वे सभी चीजें हैं जो हमारे आसपास पाई जाती है, हमारे पर्यावरण में पाई जाती है, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सबसे इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से संसाधन में सभी चीजें